ऐसी प्रोग्राम लाइक कैलकुलेटर एप्लीकेशंस इज फॉर एग्जांपल्स कैलकुलेटर्स के थ्रू मोस्टली फोर ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल होता लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिमिलर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस क्रिएट करना यूजिंग सी प्रोग्राम्स और यूजिंग सी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल्स इज व्हाट इज द रन टाइम बिहेवियर ऑफ दिस एप्लीकेशंस मीन जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड इनपुट्स क्या होंगे और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे फर्स्ट वन जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे टू नंबर्स मीन्स करंटली परफॉर्म क्या कराना लाइक है कैलकुलेटर एप्लीकेशंस लाइक है एडिशन ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन मीन्स ऑल ऑपरेशन टू नंबर्स के रिस्पेक्ट में परफॉर्म कराना है इसलिए नंबर ऑफ इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे मीन्स एडिशन कराएं या सब्ट्रैक्शन कराएं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑल ऑपरेशंस के केस में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट्स कितने टू देयरफॉर वी आर डिस्प्लेइंग मैसेज लाइक एंटर टू नंबर दिस इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ दिस प्रोग्राम नेक्स्ट वन सपोज दैट मैंने एंटर किया लाइक 10 स्पेस 5 और मे बी 10 एंटर की 5 लाइक दैट 10 एंड 5 नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट वन नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हुआ एंटर टाइप ऑफ ऑपरेटर मीन्स इसके अलावा मीन नंबर्स के अलावा अदर रिक्वायर्ड इनपुट्स क्या है टाइप ऑफ ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स के रिस्पेक्ट में सपोज दैट अगर एडिशन परफॉर्म कराना देन ऑपरेटर एंटर करेंगे रन टाइम पर आएगा प्लस ऑपरेटर सिमिलरली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना रन टाइम पर एंटर करेंगे एज अ माइनस ऑपरेटर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एस्ट्रिक सेम है डिवीजन मीन्स दीज आर फोर ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू मैनेज मीन्स इस प्रोग्राम के थ्रू टोटल फोर ऑपरेशंस मैनेज करना है नेक्स्ट टाइम प्रेस किया सम ऑपरेटर एज प्लस देन इसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या डिस्प्ले होना चाहिए लाइक दैट 10 मीन्स रिजल्ट के केसेस में फर्स्ट नंबर क्या था 10 देन ऑपरेशन कौन सा प्लस दिस द एक्सपेक्टेड आउटपुट 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15 दिस द एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम एज अगर मैंने रन टाइम पर प्लस के प्लेस पर माइनस अप्लाई किया है मीन्स इनपुट्स क्या अगेन 10 5 माइनस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या होना चाहिए 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 सिमिलरली रन टाइम पर मैंने मल्टीप्लाई के साथ एंटर किया लाइक मल्टीप्लीकेशंस देन मल्टीप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग 10 मल्टीप्लाई 5 का रिजल्ट क्या आना चाहिए 50 दिस इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ दिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम को एनालाइज करने के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट्स कितने देयर आर 3 इनपुट्स समथिंग 10 10 को स्टोर करने के लिए सेपरेट वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे लाइक एक्स और समथिंग ऑपरेंड 1 वेरिएबल नेम एज ऑपरेंड 1 5 को स्टोर करने के लिए कंसीडर करेंगे वन मोर वेरिएबल एज ऑपरेंड 2 प्लस रन टाइम पर ऑपरेशंस को एंटर कराने के लिए ऑपरेटर एंटर करने के लिए यूज करेंगे सम कैरेक्टर वेरिएबल एज ऑपरेटर और ओपीआर लाइक दैट दिस वन इज ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 ओपीआर नेक्स्ट वन जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या सम मोर वेरिएबल्स रिजल्ट मीन्स 50 10 व्हाटएवर जितने भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस हों रिजल्ट्स के रिस्पेक्ट में रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए क्रिएट किया करेंगे अनदर वेरिएबल कॉल्ड रिजल्ट मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओवरऑल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं देयर आर 4 वेरिएबल्स ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 मीन्स एनी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड और n1 n2 लाइक दैट अदर वेरिएबल्स कैन टाइप ऑफ ऑपरेटर सेम एज रिजल्ट्स नेक्स्ट वन नंबर्स के केस में बात करें नंबर किस टाइप के यूज करेंगे मे बी फ्लोट और इंटीजर नंबर सपोज इस केस में मुझे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म कराना देन फ्लोट डिवीजन के रिस्पेक्ट में रिजल्ट्स किस फॉर्म में आने के चांसेस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर इसलिए ऑपरेटर्स का टाइप क्या है सॉरी वेरिएबल्स का टाइप क्या है इस केस में फ्लोट ऑपरेटर का टाइप क्या हुआ कैरेक्टर रिजल्ट अगर इनपुट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के फॉर्म में देन आउटपुट्स भी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लाइक दैट मीन्स दिस इज द टाइप और करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस वर्ड मैन मीन्स एक सिंगल प्रोग्राम्स के थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कराना सबसे पहले प्रोवाइड क्या करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशंस फ्लोट
then variable n1 comma n2 comma result, variable name is result. Another character type of variable is character type of variable का use करने का purpose क्या था? Entering choice is different different types के choice enter कराने के लिए use क्या करेंगे? Extra variable called as something OPR operator. Next one, इस केस में n1 and n2 का type क्या है? Input variables. तो run type पर inputs किसके लिए read कराएंगे? n1 n2 के लिए plus character. Choice variable क्या है इस केस में? Character. Character भी consider होगा also input variables. लेकिन n1 n2 और character के respect में operator के respect में दोनों के type कैसे हैं? Different. इसलिए इनको read करने के लिए use क्या करें? Different different type of functions और format specifiers. Finally result produce होने का आसान किस में करा लेंगे? Separate variable called as result. Next one. Next step क्या? Reading inputs. Inputs के केसेस में एडिशन परफॉर्म कराएं या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराएं, मल्टीप्लिकेशन या डिविजन्स, सभी ऑपरेशंस के केसेस में इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं? एग्जैक्टली टू इनपुट्स. मींस आप टू इनपुट्स के रिस्पेक्ट में या तो टू इनपुट्स सभी ऑपरेशन वाइज सेपरेटली बार बार रीड कराएं, देन अगर आप बार बार ऑपरेशन स्पेसिफिक सभी ऑपरेशन के साथ अगर इनपुट्स रीड कराएंगे एवरी टाइम लाइक दैट, प्रिंट एव एंटर टू नंबर्स, स्कैन एव वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, देन रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, अगेन नेक्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग माइनस के अकॉर्डिंग क्या अगेन फिर से क्या राइट करोगे? एंटर टू नंबर्स देन रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई लाइक दैट. अगर इस टाइप से इफ कंडीशंस के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली ऑपरेशंस प्रोवाइड करेंगे देन प्रिंट एप और स्कैन एप कितनी बार रिपीट होंगे? फोर टाइम रिपीट न करके कॉमन ऑपरेशन बिगिनिंग में प्रोवाइड करें. तो कॉमन ऑपरेशन क्या है इसके इसमें? रीडिंग वैल्यूज फॉर n1 n2, इसलिए प्रोवाइड क्या करेंगे? प्रिंट एप एंटर टू नंबर्स printf enter two number, next one scanf functions. scanf के थ्रू डेटा रीड करें फॉर वेरिएबल n1 और n2, दोनों का टाइप फ्लोट है इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर सप्लाई करें %f एड्रेस ऑफ n1 एड्रेस ऑफ n2. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट वन नेक्स्ट इनपुट क्या रहेगा? रीडिंग चॉइस, मीन्स नंबर्स के लिए डेटा रीड कराने के बाद नेक्स्ट टाइम रीड क्या कराओ? चॉइस. इस केस में जब नंबर्स रीड कराएंगे यूजिंग कीबोर्ड, सपोज दैट कीबोर्ड्स के थ्रू मैंने एंटर कराया 10 space 20, देन एंटर की, देन एंटर्ड वैल्यू सबसे पहले इनिशियली आसानी किस में हो जाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ बफर्स. ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग कंसोल ऑपरेशंस आसान क्या हुआ? 10 space 20 space देन न्यू लाइन कैरेक्टर लाइक अ स्लैश एन, आस्की वैल्यू क्या इसका? 10 लाइक दैट. दिस इज द प्रोग्राम. इस केस में जब नेक्स्ट टाइम अगेन स्कैन एप के थ्रू ऑपरेटर रीड कराएंगे चॉइस रीड कराएंगे लाइक अ स्कैन एप OPR, फर्स्ट टाइम 10-20 रीड होने के जस्ट बाद आसान किस में जाएंगे? n1 n2 इन कर्सर का सेट हुआ स्लैश एन. नेक्स्ट टाइम जब ऑपरेटर के लिए वैल्यू रीड कराएंगे यूजिंग परसेंट सी विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ फंक्शंस, परसेंट सी स्कैनएफ का वर्किंग क्या रहेगा? डायरेक्टली सबसे पहले डेटा बफर में चेक हुआ, बफर में अगर ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है देना कभी वेट ना करके डायरेक्टली एग्जिस्टिंग कैरेक्टर रीड कर लेगा स्लैश एन. इस केस में चॉइस को रीड करने से पहले बफर एम्प्टी होना कंपलसरी, बफर को एम्प्टी बनाने के लिए. नेक्स्ट कैरेक्टर टाइप्स ऑफ इनपुट रीड करने से पहले प्रोवाइड क्या करेंगे? बफर को फ्लश करना कंपलसरी, इसलिए यूज करेंगे एफ फ्लश विच बफर एसटीडी, मींस जब इस प्रोग्राम को आप रन टाइम पर एग्जीक्यूट करो फर्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट कराना विदाउट यूजिंग एफ फ्लश फंक्शन, नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करना बाय यूजिंग एफ फ्लश फंक्शन, देन आपको इसका बिहेवियर क्लियर हो जाएगा. रन टाइम पर इसका बिहेवियर टेस्ट करें इस केस में एक्स्ट्रा फंक्शन एफ फ्लश प्रोवाइड करने का पर्पज क्या था. जैसे एफ फ्लश कॉल होगा 10-20 तो ऑलरेडी रीड हो चुके हैं, इसका वर्किंग क्या रहेगा? रिमूविंग कंटेंट्स ऑफ द बफर, इस बफर कंप्लीटली फिर से कैसा हो जाएगा? रीसेट और एम्प्टी. एम्प्टी होने के बाद कर्सर का सेट हो फर्स्ट प्लेस. जब नेक्स्ट टाइम इनपुट रीड करा हुआ ऑपरेशन नेक्स्ट टाइम मैंने प्रेस किया समथिंग प्लस एंड एंटर की, तो नेक्स्ट टाइम बफर में क्या आसान होगा? प्लस एंड एंटर की और स्लैश एन. नेक्स्ट टाइम कर्सर ऑलरेडी प्लस के लिए सेट है इसलिए डायरेक्टली रीड क्या हो जाएगा? दिस ऑपरेटर लाइक दैट. देयरफॉर वी आर प्रोवाइडिंग हियर
एफ प्लस फंक्शंस। मीन्स अगर एफ प्लस और स्कैन एफ के केस में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं देन आपको सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए कंसोल ऑपरेशंस, देन आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इनपुट्स प्रिंट एफ एंटर ऑपरेटर, एंटर ऑपरेटर, पॉसिबल ऑपरेटर्स आर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ओनली फोर ऑपरेशंस मैनेज करें इस केस में लाइक दैट। यूजर को गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए एक्सपेक्टेड ऑपरेटर्स ऑलरेडी डिस्प्ले करा लेंगे, देन स्कैन ऐप के थ्रू जब डेटा रीड करेंगे स्कैन ऐप, वेरिएबल ओपीआर का टाइप क्या है कैरेक्टर, इसलिए यूज क्या करें परसेंट सी एट द साइड ओपीआर। नेक्स्ट वन मीन्स इनपुट रीड कराने जस्ट बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल है ना, ऑपरेशन किसके बेसिस पर परफॉर्म करना बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। अगर रन टाइम पर प्लस एंटर किया है देन वेरिएबल ओपीआर का वैल्यू क्या हुआ इस केस में प्लस एज अ कैरेक्टर, इस केस में कंडीशन क्या हुआ इफ ओपीआर इक्वल इक्वल, मीन्स अगर ऑपरेटर वेरिएबल ओपीआर का वैल्यू या आस्की वैल्यू प्लस के इक्वलेंट है देन परफॉर्म क्या कराएंगे रिजल्ट इक्वल टू एन वन प्लस एन टू। सेम एज नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगा इस केस में ओपीआर इक्वल इक्वल माइनस, अगर ओपीआर की वैल्यू माइनस के इक्वलेंट है देन परफॉर्म कराएं रिजल्ट इक्वल टू एन वन माइनस एन टू। सिमिलरली ओपीआर प्लस इक्वल इक्वल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लाइक दैट। स्टार से टोटल फोर ऑपरेटर्स हैं इसलिए टोटल कंडीशंस भी कितने रिक्वायर्ड होंगे फोर कंडीशंस। नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड करेंगे इफ कंडीशन, इफ वैल्यू ऑफ ओपीआर इक्वल इक्वल प्लस, अगर एक कंडीशन ट्रू है देन उस केस में परफॉर्म क्या कराएंगे एडिशन देन, और एडिशन का रिजल्ट असाइन करने के लिए ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए रिजल्ट वेरिएबल, इसलिए इसका रिजल्ट किस में असाइन कराएंगे रिजल्ट में, रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई के प्लेस पर इनपुट्स के लिए वेरिएबल्स क्या यूज़ किए एन वन और एन टू, इसलिए एडिशन भी किसका करा हुए वैल्यू ऑफ एन वन एंड वैल्यू ऑफ एन टू। बट सपोज दैट दिस कंडीशन इज फॉल्स, और एक कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स किस केस में हुआ अगर आपने प्लस के अलावा कोई अदर ऑपरेटर रन टाइम पर एंटर किया, सपोज दैट अगर यूजर ने माइनस ऑपरेटर एंटर किया है देन इसका मीनिंग क्या हुआ माइनस ओपीआर के प्लेस पर क्या जाए माइनस इक्वल इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ प्लस, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन नेक्स्ट कंडीशन चेक कराएंगे बाय यूजिंग एल्स इफ, एल्स इफ नेक्स्ट टाइम कंडीशन यूज करेंगे अगेन इफ ओपीआर इक्वल इक्वल माइनस, एल्स इफ ओपीआर इक्वल इक्वल ऑपरेटर माइनस, अगर ओपीआर का वैल्यू माइनस के इक्वलेंट है देन परफॉर्म कराएंगे रिजल्ट इक्वल्स टू एन वन माइनस एन टू। सिमिलरली अगर सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स है देन अगेन अप्लाई क्या करेंगे एन अदर कंडीशंस, मीन्स मैं इसी प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल से कंटिन्यू कर रहा हूँ दैट प्लीज, मीन्स नेक्स्ट टाइम कंडीशन से अप्लाई करेंगे एज एल सेव वैल्यू ऑफ ओपीआर इक्वल इक्वल्स टू सिंबल माइनस, अगर ओपीआर का वैल्यू मल्टीप्लीकेशन के इक्वलेंट है देन परफॉर्म क्या कराना इसके इसमें रिजल्ट इक्वल्स टू एन वन, रिजल्ट इक्वल्स टू एन वन मल्टीप्लाई बाई एन टू। मीन्स अगर प्लस एंटर किया जाने फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या हो रहा है एडिशन ऑफ टू नंबर, माइनस एंटर किया जाने सेकेंड कंडीशन ट्रू हुआ इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। सेम एज अगर रन टाइम पर मल्टीप्लाई साइन एंटर किया जाने परफॉर्म क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। नेक्स्ट कंडीशन एल सेफ देन एल सेफ ओ पी आर इक्वल इक्वल, लास्ट ऑपरेशन क्या समथिंग डिवाइड ऑपरेशंस, अगर लास्ट कंडीशन ट्रू है देन परफॉर्म क्या कराएंगे रिजल्ट इक्वल्स टू एन वन डिवाइडेड बाई एन टू लाइक दैट। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है देन डिस्प्ले क्या करा लेंगे समथिंग यूजिंग एल्स ब्लॉक,
अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रहा था बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन इसका हुआ एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे इनवैलिड प्रिंट एप इनवैलिड ऑपरेटर और इनवैलिड ऑपरेशन। अदरवाइज अगर रिजल्ट कैलकुलेट हुआ रिजल्ट डिस्प्ले कराना देने यूज क्या करेंगे, इस रिजल्ट के केस में इनिशियल वैल्यू असाइन करा लेंगे एज अ जीरो और एनी वैल्यू नॉट अ कंपल्सरी, डायरेक्टली डिस्प्ले करा लेंगे। मीन्स अगर ऑपरेशन परफॉर्म कराना देन परफॉर्म क्या कराएंगे प्रिंट एप, मीन्स ऑपरेशन किस टाइप से डिस्प्ले कराना, लाइक अगर एंटर नंबर 10 और 5 है देन 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15 समथिंग, मीन्स 10 के प्लेस पर डिस्प्ले किसका वैल्यू कराना है n1 का वैल्यू, प्लस के प्लेस पर डिस्प्ले क्या कराना वैल्यू ऑफ ओपीआर, 5 के प्लेस पर डिस्प्ले क्या कराना वैल्यू ऑफ n2, 15 के प्लेस पर डिस्प्ले क्या कराना वैल्यू ऑफ रिजल्ट। सेम ऑर्डर में प्रिंट एप के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट पर्सन डी देन ऑपरेटर, ऑपरेटर का टाइप क्या है कैरेक्टर इसलिए यूज करेंगे परसेंट सी, नेक्स्ट टाइम n2 वैल्यू, n2 का टाइप क्या है इंटीजर, सॉरी इसके इसमें टाइप क्या लिया है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स के नंबर्स हैं इसलिए फॉर्मेट स्पेस ही बार यूज करेंगे n1 n2 के लिए परसेंट एफ, अगेन परसेंट एफ इक्वल्स टू परसेंट एफ और मे बी परसेंट जी। सबसे पहले क्या पास करेंगे n1 कॉमा, सेकेंड केस में क्या कैरेक्टर, कैरेक्टर करेंटली स्टोर किस में ओपीआर में n1 कॉमा ओपीआर कॉमा n2 कॉमा रिजल्ट लाइक दैट, इस टाइप से ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल हुआ, दिस इज द क्लोजिंग। इस करेंट प्रोग्राम के थ्रू किसी भी टाइप का अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल है। सबसे पहले जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ इसके इसमें ओनली मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में टेस्ट करके एक्शन करूँ, फर्स्ट वन सपोज दैट दिस इज आउटपुट डिवाइस मॉनिटर विंडो, जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा सबसे पहले डिक्लेरेशन कितने वेरिएबल्स की प्रोवाइड करेंगे 4 वेरिएबल्स लाइक n1 n2 रिजल्ट एंड ऑपरेटर लाइक दैट, देयर आर 4 वेरिएबल्स, इनसे चारों वेरिएबल्स क्रिएट होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टैक मेमोरी, इनिशियली सभी के वैल्यूज क्या समथिंग गार्बेज वैल्यूज, नेक्स्ट टाइम वेरिएबल डिक्लेरेशन के जस्ट बाद परफॉर्म क्या हुआ एंटर टू नंबर डिस्प्लेइंग मैसेजेस एंटर टू नंबर्स, नेक्स्ट टाइम प्रेस किया मैंने इसके इसमें नेक्स्ट टाइम क्या स्कैन एफ के थ्रू मैंने एंटर कराया वैल्यू एज 10 and 5, 10 करेंटली किसमें साइन हुआ इनपुट वेरिएबल n1, 20 किसमें साइन हुआ इनपुट वेरिएबल n2, वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 बिकम्स 10 and 5। नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लस ऑल का वर्किंग क्या, अगर आपने एंटर की प्रेस किया था इस एंटर की को फ्लश करने के लिए यूज क्या करेंगे फ्लस ऑल, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब चॉइस रीड करेंगे कैरेक्टर टाइप्स का वैल्यू तो नहीं रीड क्या कर लेगा एग्जिस्टिंग वैल्यू है स्लैश एन के अकॉर्डिंग कभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे इसलिए ऑलवेज रीड करने सम गार्बेज वैल्यू इसलिए प्रोवाइड क्या किया फ्लस ऑल। नेक्स्ट बफर फिर से एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी होने के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम प्रिंट एप को चांस मिले तो प्रिंट एप से क्या डिस्प्ले एंटर ऑपरेटर, नेक्स्ट वन समथिंग एंटर ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड सो ऑन, फाइनली नेक्स्ट टाइम स्कैन एप के थ्रू डेटा रीड होगा लेकिन आसान किस में जाएगा वेरिएबल ओपीआर, सपोज दैट मैंने एंटर किया मल्टीप्लिकेशंस और एस्ट्रिक, एस्ट्रिक किस में आसान हुआ आस्की वैल्यू होगा एस्ट्रिक वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल ओपीआर, नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद अब इफ कंडीशन टेस्ट हुआ इस पहले इस प्रोग्राम को कम्प्लीटली नोट डाउन कर लेना उसके बाद मैं मॉडिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। करंटली ओपीआर का वैल्यू क्या है एस्ट्रिक, इसका मीनिंग क्या हुआ एस्ट्रिक और मल्टीप्लिकेशन इक्वल प्लस कंडीशन इज फॉल्स देन टेस्ट क्या हुआ नेक्स्ट कंडीशन के इसमें ओपीआर के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे वैल्यू ऑफ ओपीआर, अगेन मल्टीप्लिकेशन इक्वल माइनस कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स इफ का भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम टेस्ट क्या हुआ थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ओपीआर का वैल्यू क्या है मल्टीप्लिकेशंस मल्टीप्लाई दिस वन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको मिलेगा बॉडी ऑफ एल्स इफ,
एल्स इफ के केस में एन वन के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ एन वन और एन टू के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ एन टू 10 और 5, रिजल्ट इज 50। फाइनली इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है 50 इज असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, मीन्स रिजल्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा इस ऑपरेशन के जस्ट बाद 50। एल्स इफ एग्जीक्यूट हो चुका है उसका रिमेनिंग कंडीशन टेस्ट ही नहीं होंगे, टेस्ट नहीं डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ सेंड होगा आउटसाइड एल्स इफ, मीन्स इस कंप्लीट पोस्टिंग बाद नेक्स्ट टाइम चांस किसको मिलेगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के केस में एन वन के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा वैल्यू ऑफ एन वन इज 10 5 सॉरी ऑपरेटर के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा वैल्यू ऑफ ऑपरेटर इज मल्टीप्लाई, एन टू के प्लेस पर क्या आएगा 5, रिजल्ट के प्लेस पर 50। फर्स्ट परसेंट एफ के प्लेस पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा फाइनली आउटपुट के अकॉर्डिंग परसेंट एफ के प्लेस पर क्या आएगा फर्स्ट ऑपरेंड इज 10 मीन्स 10.0 समथिंग देन मल्टीप्लीकेशन देन 5.0 समथिंग देन 50.0 6 टाइम जीरो आएगा एवरी टाइम। अगर आप चाहते हो इस केस में कोई एक्स्ट्रा जीरो डिस्प्ले ना हो इस केस में यूज कर सकते हो परसेंट एफ के प्लेस पर आएगा परसेंट जी, परसेंट जी के केस में कोई भी एक्स्ट्रा जीरो फिल नहीं होंगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था उन्होंने ड्यूरिंग प्रिंट एफ फंक्शन और कंसोल ऑपरेशन, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट गिवन इनपुट्स।